emphasis on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world class businesses. Big Tech. बंसाली जी के लिए यह मैसेज है कि आप बंसाली जी जयपुर आए थे तब आपके गनमैनों ने हमारे लड़कों पर फायर किया और आप बदले में आपने थप्पड़ खाए थे। जब हम हथियारों से राइफलों से पिस्टलों से नहीं डरते, खाली हाथ थे हमारे लड़के, तो आगे से आप संभल करके रहो और इस देश को ISI और दाऊद के इशारे पर मत बेचो, वरना अब की बार उससे भी बुरा करेंगे हम। CBFC ने क्लियर कर दिया है मूवी को, आपका ये कहना है कि उन्होंने 3 लोगों को बिठा के अपने उनको दिखाई है, तो आप इससे संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट हैं हम, उन तीनों ने मना कर दिया है कि ये देश में अराजकता फैलाएगी, ये हिंदू संस्कृति को ख़त्म करने के लिए फिल्म बनाई गई है, ये रिलीज नहीं होनी चाहिए। तीनों ने ये कहा है, उनकी बात सेंसर बोर्ड को माननी चाहिए। हम तो सीधी सीधी प्रवीण जोशी को बर्खास्त करने की मांग करते हैं, स्मृति ईरानी अपने पद से इस्तीफा दे, राज्यवर्धन सिंह को तो पहले ही दे देना चाहिए था, वो तो पद्मनी जी का जहाँ जन्म हुआ है उस जन्मभूमि से आते हैं, इसलिए उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस्तीफा नहीं देते तो हम मांगेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और हम उनके पुतले पूरे भारत के अंदर जलाएंगे। आपने ये कहा कि मुंबई में जैसे मुंबई जलाए, अगर ये मूवी रिलीज होती है तो पूरा देश जलेगा, क्या ये थ्रेटनिंग नहीं है पूरे देश के लिए? ये थ्रेटनिंग है या नहीं है, करोड़ों युवाओं की भावनाओं को दरकिनार करके एक बंसाली को फायदा पहुँचाने के लिए क्यों कर रहा है ये देश, क्यों हो रहा है, क्यों इस देश को जलने के लिए ये सरकार छोड़ना चाहती है, इस पर विचार आपको करना चाहिए सरकार से। आने वाले टाइम में क्या रणनीति होगी आपकी? आने वाले प्रोग्राम की हमारी यही रणनीति है कि इस फिल्म को हम कतई नहीं चलने देंगे, हमारी माँ का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। ठीक है, थैंक यू।